देखिए बिना बारिश के ही छतों पर से पानी गिरता है, तो चलिए आज का वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो फिर अभी शाम के लगभग 4:30 बज चुके हैं, जो कि कहीं भी आज एक्सप्लोर नहीं किया। तो फिर तो ये ब्लॉग्स दूसरे दिन कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो कि सुबह के अभी 8 बज चुके हैं और ठंडी हवाएं चल रही है, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट घर के चारों तरफ जितने भी पेड़ पौधे हैं, तो फिर वह एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक बारिश हुआ था और बारिश के बाद हर पेड़ पौधे के पत्ते जितने भी है तो उसे धोना नहीं पड़ता है, और इस पर अमरूद का छोटे छोटे फल आ चुका है। चलिए निकलते हैं छोटी सी राइड पर से, देखते हैं लगभग आज कितना मतलब ट्रैवल करता हूँ और कैसे एक्सप्लोर करते हैं। तो कल वाला वीडियोज नहीं है, उसके स्थान पर शॉर्ट वीडियोज को अपलोड कर दिया था, तो बिना टाइम गवाए चलिए निकलते हैं। भोजन करने के बाद निकलते हैं। देखिए एक साइकिल कैसे चलाता है, तो चलिए निकल चुके हैं, छोटी सी राइड होगा और के समय में ना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है, और क्या बोलना था सुबह बोल हाँ फिर याद आएगा तुमसे आता हूँ। चलिए आ चुके हैं जंगल वाले रास्तों में, अगर पिछला वीडियो सब देख चुके होंगे तो जानकारी मिल चुका होगा जो मैं किस साइड आ रहा हूँ। अभी तक याद नहीं आया है कि क्या थी बातें। इस साइड फिर कभी निकलते हैं, अभी फिलहाल इस साइड निकलना है और इस साइड से आया हुआ था, क्योंकि बरसात के दिनों में इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी लग जाता है। प्रत्येक दिन जो भी वीडियो ज़्यादा है तो फिर यह सोच के अपलोड कर देता हूँ, अगर कल अपलोड नहीं किया तो फिर हटाने, और अपलोड नहीं भी करता हूँ तो सुबह के समय में एडिट करके वीडियोज को अपलोड कर देता हूँ, तो कोई म्यूजिक नहीं रहता है बैकग्राउंड में। देखते हैं कोई अच्छा सा म्यूजिक ढूंढ के, क्योंकि आने वाले जितने वीडियो रहेगा थोड़ा बहुत उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक में लगा रहेगा। घुमटिया बंद है और ट्रेन बस भी कर चुका सिंगल डब्बा वाला, लगभग खुल जाना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट रोड इन दिस प्लेस। सामने बड़ी बड़ी सड़कें जा रही है, लेफ्ट साइड समस्तीपुर जा सकते हैं मतलब बरौनी, और राइट साइड मुजफ्फरपुर, और लेफ्ट से मुजफ्फरपुर किसी और दिन जाएंगे, फिलहाल इस साइड चलते हैं। तो फिलहाल ये कर रहे हैं जो कि साउथ ओशन जगह कर रहे हैं, और इसके बाद आज जूम करके NH पर से ही वाटर पार्क दिखाता हूँ, जो कि अपने यहाँ समस्तीपुर में ओपन हो चुका है आज, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप जाना चाहते हैं तो फिर जा सकते हैं। नेशनल हाईवे पर गुजरने के बाद सड़क के साइड के जंगलों को हटाया जा रहा है, और किस तरह से तो होगा नहीं पता, शायद चौड़ीकरण के लिए या फिर वाइट बॉर्डर कैंपेन करने के लिए होगा। चलिए घर पहुँचते हैं, तो फिर मिलते हैं कल। जब मैं इस तरफ से गया था तो इस साइड के जितने भी वाइट पट्टियाँ हैं तो फिर वहाँ पेंट हुआ था, आज जो कि सड़कें बन चुका है, तो चलिए आज के वीडियोस में सिर्फ सड़के व सड़के के दोनों अगर पेड़ पौधे को ही बताया हूँ तो देखने को मिला, तो चलिए घर पहुँचने वाला हूँ पास विदिन 30-40 सेकेंड। तो इस साल अपने यहाँ के पेड़ों में लीची नहीं फला है, तो लगभग अगले वर्ष होगा देखने को। आज का फ्लाइट कर चुका हूँ, विजिबिलिटी उतना परफेक्ट ना है,